किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, लौटने का वक्त हो चुका रहता है। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा वीडियो लेक्चर BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड कैलकुलस के यूनिट फोर्थ का है। यूनिट फोर्थ का लेकर के मैंने उस पे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। इस 15 क्वेश्चन का PDF और उस सिलेबस को अटैच करके मैंने एक PDF बना के लिंक में दे दिया है ना, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इस 15 क्वेश्चन और सिलेबस को और अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि इसका सॉल्यूशन मैंने पेड रखा है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मुझे 8382042644 पे फ़ोन पे करना होगा। कितने का? ₹35 का। आप फ़ोन पे करके, उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप है, आप मुझे फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं तुरंत आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और मॉडल पेपर का भी मैंने बनाया हुआ है ना, तो मॉडल पेपर का भी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ से। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हेल्प नहीं करते हैं तो आप पेपर दे के आना, मुझसे कह देना कि सर मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके हेल्प नहीं किए, मैं आपको आपके ₹35 वापस कर दूंगा। तब उस केस में मुझे आपके पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आप 75% लाते हो तो भी मैं आपको आपके पैसे और 35 एक्स्ट्रा और मेरी तरफ सेट करके मीन्स ₹70 मैं आपको फ़ोन पे वापस कर दूंगा, या जैसे भी आप कहोगे मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, उस केस में भी मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तो आइए अब 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बारी बारी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव दैट इंटीग्रल ओवर 0 to ∞ ई टू द पावर -x² dx इक्वल टू √π/2। बीटा गामा क्वेश्चन के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल ओवर 0 to 2a, सेकंड इंटीग्रल ओवर √2ax - x² to √2ax fx y dx dy। ठीक है, हाँ एक काम आप करना, जब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसमें दो फिगर आप हमेशा बनाया करो। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा, एक जब इसके इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे। मीन्स जब हम, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जब हम स्ट्रिप को चेंज करते हैं तो उसका फिगर आप अलग बनाना, दोनों फिगर आप एग्जाम में बना के दिखाना। अगर एक ही फिगर में आप बनाते हो घिच पिच करके ना, तो ये मान के चलो कि आप तब अच्छा मार्क्स इस पे गेन नहीं कर पाओगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। प्रूव दैट बीटा ऑफ Mn इक्वल टू γn/γ(m+n)। बीटा गामा फंक्शन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स y² = 4ax and x² = 4ai। ठीक है, दोनों का कर्व बनाइए और इसके बीच में जो रीजन आ रहा है उसकी एरिया मुझे निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइंड द पैरामीटर ऑफ लूप ऑफ कर्व 3a y² = x² (a-x)। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। इवोल्यूट द डबल इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर 0 to 1 इंटीग्रल ओवर 0 to x(x³dx/dy)√x² + y²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन। इफ IN इंटीग्रल का साइन है और n इसका यहाँ पे ऑर्डर था इसलिए IN यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, IN = ∫ (a²+x²)√(n/2) dx, देन सो दैट IN = ∫ (a²+x²)√(n/2) dy/(n+1)+(n)a²/(n+1) IN-2 दिखा रहा है कि यहाँ पे जो इसका ये पावर है ये दो कम हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर एट। प्रूव दैट इंटीग्रल ओवर 0 to 1 1 - x^(n)√(1/n) dx = γ(1/n)² / 2n(γ(2/n)। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अपर हाफ ठीक है ऑफ द लूप ऑफ द कर्व y² = x² (2 - x) about x-axis। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। क्वेश्चन नंबर टेन। फाइंड द लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड ठीक है, ये एस्ट्रॉयड का इक्वेशन है। कभी कभी करता क्या है कि ये एस्ट्रॉयड का इक्वेशन लिख के डायरेक्ट एस्ट्रॉयड लिख के छोड़ देगा। तो एस्ट्रॉयड, कार्डियाड, सेंट्रॉयड ठीक है, ये तीन ऐसे कर्व हैं ठीक है, जिसका फिगर और जिसका इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए। कार्टेसिंग में आपने इसको पढ़ा होगा है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड x^(2/3) + y^(2/3) = a^(2/3)। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन। इवेलुएट
इंटीग्रल ओवर 0 टू पाई बाई 2, सेकेंड इंटीग्रल ओवर 0 टू ए साइन थीटा आर डी थीटा डी आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लॉइड, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है उसके बराबर या 2 थीटा से छोटी है उसके बराबर हो सकती है, ए इज ग्रेटर देन 0 इज 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इवेलुएट इंटीग्रल ओवर 0 टू 1, सेकेंड इंटीग्रल ओवर 0 टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए टू द पावर एन अंडर रूट एन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन जी इंटीग्रल ओवर 0 टू 1, सेकेंड इंटीग्रल ओवर एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई एंड हैंस इवेलुएट द सेम, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके उसको इवेलुएट करके उसकी वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।